हेलो स्टूडेंट, आज हम नाइट्रो कंपाउंड्स के अंतर्गत ही इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है, मीन्स रिडक्शन जो है वह इलेक्ट्रिक के द्वारा किया जाता है। तो इसमें भी डिफरेंट मीडियम लेने पे डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वह प्राप्त होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि अम्लीय, उदासीन और क्षारीय माध्यम में अलग अलग प्रोडक्ट जो है वह प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो है सर्वप्रथम हेबर ने दिया था, उन्होंने बताया कि रिडक्शन जो है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो है वह दो स्टेप में पूरा होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वह अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराया जाता है। तो नाइट्रोसोबेंजीन, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन और फाइनली जो है एनिलीन, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोसो, फिर फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन और एमिनो कंपाउंड जो है वह बनते हैं रिडक्शन से। तो ये प्रोडक्ट जो हैं फिर आपस में अभिक्रिया करके जो सेकंड स्टेप होता है उसमें ये जो कंपाउंड बने हैं वह आपस में रासायनिक अपचयन द्वारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वह बनाते हैं। इसमें देखते हैं कि नाइट्रोबेंजीन का सॉल्यूशन अगर अल्कोहल में लिया जाता है और वीक एसिडिक मीडियम में उसका रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, तो उस केस में 90% एनिलीन जो है वो हमको प्राप्त होती है। इसी प्रकार से नाइट्रोबेंजीन के कंसंट्रेटेड H2SO4 वाले स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में, पहला लिया था हमने नाइट्रोबेंजीन अल्कोहल में है और वीक एसिड है उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन था। दूसरा है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन में अगर नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हैं तो पहले फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है, जो रीअरेंज होकर के पैरा एमिनो फिनॉल जो है वह बना देता है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे NO2 H2SO4 द्वारा रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन 4HO होगा, तो NHOH फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगा जो वापस से रीअरेंज होके जिसमें NH2 और OH ग्रुप जो है वह बनते हैं, तो पैरा एमिनो फिनॉल कंपाउंड जो है वह बनता है। थर्ड है कि मीडियम आपका बेसिक मीडियम हो, उसमें रिडक्शन कराते हैं, तो ये सारे ही प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं जिसमें हम कहें नाइट्रोसो हाइड्रोक्सिल एमीन और एमिनो कंपाउंड जो है वह बनते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं नाइट्रो एरिन्स या नाइट्रोबेंजीन जो होती है उसमें एक एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है, तो एरोमेटिक रिंग जो होती है वह इलेक्ट्रॉन रिच होती है। अगर इंडिविजुअल एक एरोमेटिक रिंग को अगर हम देखते हैं तो उसमें 6 pi इलेक्ट्रॉन जो है वह 6 carbon एटम पे डीलोकलाइज्ड होते हैं, तो वहाँ पे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी ज़्यादा है, तो उस केस में वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी से हो जाता है। परंतु नाइट्रोबेंजीन के अंतर्गत हम देखते हैं कि बेंजीन रिंग में एक NO2 ग्रुप लगा हुआ होता है जिसका आई इफेक्ट और एम इफेक्ट जो है वो दोनों नेगेटिव होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप होता है ये, तो उस केस में रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वह उसकी ऑर्थो और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो उसमें जैसे हम पहले भी देख चुके हैं उसमें, तो यहाँ पे जब नाइट्रो ग्रुप के कारण से रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम आ जाती है, मीन्स वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उन कार्बन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है रेजोनेंस के फलस्वरूप। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि रिंग पर कुल मिला के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम होगी, जिसमें हम कह सकते हैं कि उसकी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर तो काफ़ी कम होगी, परंतु जो मेटा पोजिशन है वह भी कंपेरेटिवली बेंजीन की तुलना में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान जो है वह कम होता है।
तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रोफाइल का अगर सब्सटीट्यूशन कराया जाए नाइट्रोबेंजीन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वह आसानी से नहीं होती हैं, यूँ हम कह सकते हैं, क्योंकि रेजोनेंस के फलस्वरूप रिंग पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज्ड होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, तो उस केस में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन जो है सब्सटीट्यूशन आसानी से नहीं हो पाता है। तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करानी होती है हमारे को, तो उस केस में हम कहेंगे कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हमको चाहिएंगी, और वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन जो होगा वो उसकी मेटा पोजीशन पर ही होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस जो होंगी वो उसकी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में होंगी और मेटा पोजीशन पर होती हैं, परंतु उसमें अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देखते हैं तो वह उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होंगी। तो यहाँ पे हम एक एक लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो होती है आपकी नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन वगैरह, ऐसी रिएक्शन जो होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन, फिनॉल के अंतर्गत हमने देखा था, या रिंग में अगर OH ग्रुप लगा हुआ होता है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो उस केस में रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो हम कहते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी से हो जाएगा। परंतु नाइट्रोबेंजीन में जो है रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो उस केस में यहाँ पे हमको स्ट्रॉन्ग कंडीशन मीन्स टेम्परेचर अधिक होगा, जो रिएजेंट जिससे करा रहे हैं वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होगा, जबकि फिनॉल में हमने देखा था डाइल्यूट से ही हो जाता है, लो टेम्परेचर पर ही वह रिएक्शंस हो रही थी। तो यहाँ नाइट्रोबेंजीन में अगर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करानी है, नाइट्रेशन रिएक्शन, तो उसके लिए हमको एक तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर जिसको कहते हैं वो लेना पड़ेगा, और टेम्परेचर जो है वह भी बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें हम कह सकते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वह रिएक्शन होगी। तो जब नाइट्रोबेंजीन कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर रिएक्शन कराई जाती है तो मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन जो है वह बन जाता है। इसी में अगर और अधिक फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड ली जाए, टेम्परेचर और बढ़ा दिया जाए, तो वह उसकी मेटा दूसरी जो मेटा पोजीशन है मीन्स 1-3-5 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जो है वह सब्सटीट्यूट हो जाता है, तो वह 1-3-5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन जो है वह बन जाता है। इसी के आगे की रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी हेलोजिनेशन रिएक्शन, मीन्स रिएक्शन विथ हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, आयरन क्लोराइड के प्रेजेंस में होती है, लुइस एसिड्स जो होते हैं उनकी प्रेजेंस में होगी। तो नाइट्रोबेंजीन की क्रिया जब हेलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर कराई जाती है, तो प्रोडक्ट इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मेटा पोजीशन पे ही अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, तो मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन जो है वह बनता है। तो नाइट्रोबेंजीन प्लस क्लोरीन के साथ हेलोजिनेशन, क्लोरीन के साथ जिसमें इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वह आपका Cl पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा Cl पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन जो है वह कंपाउंड बन जाता है। इसी प्रकार से सल्फोनेशन रिएक्शन जिसमें रिएक्शन विथ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, तो SO3 स्टार्टिंग जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो आपका SO3 होता है, फिर H का सब्सटीट्यूशन वहाँ पे होता है और SO3H ग्रुप वहाँ पे मेटा पोजीशन पे जुड़ जाता है। तो जब नाइट्रोबेंजीन का फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई जाती है, तो नाइट्रोबेंजीन का सल्फोनेशन कराने पर मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वह बनता है। नाइट्रोबेंजीन डीएक्टिवेटिंग होने के कारण से नाइट्रोबेंजीन डीएक्टिवेटिंग मीन्स डीएक्टिवेटिंग मतलब वह इलेक्ट्रोफाइल के प्रति एक्टिव नहीं होता है, तो इसलिए इसको डीएक्टिवेटिंग कहा जाता है। तो इस कारण से वह फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन जो है वह नहीं देते हैं। इसी में नेक्स्ट है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड होता है 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनॉल
पिक्रिक एसिड होता है, ये पीले रंग का क्रिस्टल होता है जिसका कड़वा स्वाद होता है, बिटर आलमंड होती है। इसका गलनांक 122 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है क्योंकि तीन नाइट्रो ग्रुप के नेगेटिव आई इफेक्ट के कारण से OH में से H पॉजिटिव आसानी से निकल जाता है, तो यह स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में कार्य करता है, कार्बोनेट को विघटित कर देता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी विघटित हो जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कराने पर सोडियम पिक्रेमाइड कंपाउंड जो है वह बन जाता है। ये पिक्रेट्स ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करते हैं जिससे एक प्रोडक्ट के रूप में क्लोरोपिक्रिन प्राप्त होता है जिसकी क्लोरीन जो है वह काफ़ी रिएक्टिव होती है। CCl3 क्लोरोपिक्रिन जो होती है CCl3 ग्रुप होता है उसमें, तो वह इस कारण से बहुत एक्टिव होता है। तो नाइट्रोबेंजीन जो है उसके क्या क्या उपयोग होते हैं, जैसा कि हमने रिएक्शंस में देखा है कि रिडक्शन कराने पे एनिलीन बन रही है, एजोडा कंपाउंड बन रहे हैं, तो एनिलीन बनाने में, बेंजीडीन बनाने में, एजोडाई के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोबेंजीन जो है वह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन में सॉल्वेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि यह डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड होता है। सस्ते साबुन में स्मेल सुगंध के रूप में इसको यूज किया जाता है। डाइज पॉलिश आदि में सॉल्वेंट के रूप में इसका उपयोग, फर्श की पॉलिश में भी इसका उपयोग किया जाता है। कड़वे बादाम के तेल में मिलावटी पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हेलो नाइट्रो एरीन की क्रियाशीलता, इसमें हम पहले क्लोरोबेंजीन को देखते हैं, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें आई इफेक्ट तो नेगेटिव है पर उस क्लोरो ग्रुप का आर इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में वह कार्य करता है। तो इस प्रकार से लोन पेयर उसका शिफ्ट होगा जिससे डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, जिससे कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर, और क्लोरीन जिसने अपना लोन पेयर दिया है उस पर उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वह आ जाता है। तो हेलो एरिन क्योंकि रेजोनेंस के फलस्वरूप रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ गई है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तो आसानी से हो जाएगा परंतु न्यूक्लियोफाइल के प्रति उसकी क्रियाशीलता जो है वह कम होती है, या हम कहें सामान्य परिस्थितियों में वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होंगी, उसके लिए स्ट्रॉन्ग कंडीशंस की हमको आवश्यकता होती है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो होती हैं जिसमें हाइड्रोक्साइलेशन, एमिनेशन, साइनेशन, क्लोरेशन आदि रिएक्शंस जो होती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। तो क्लोरोबेंजीन के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आसानी से होंगी परंतु न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए हमको स्ट्रॉन्ग कंडीशंस की आवश्यकता होगी। तो यहाँ हम देखते हैं क्लोरोबेंजीन जिसमें NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो आपका OH नेगेटिव, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव होगा, KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो K पॉजिटिव और CN नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव पार्ट जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हैं वह रिंग पर अटैक करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ NaOH की रिएक्शन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में है रिएक्शंस, तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो है आपका 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो यहाँ पे जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH के साथ कराएंगे तो
सब्स्टिट्यूट होने वाला पार्ट जो है वो आपका Cl है, क्योंकि वह Cl नेगेटिव के रूप में निकलेगा। तो यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्शन कराने पे फिनॉल बनेगा। क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 200 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कराने पर फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से अमोनिया के साथ रिएक्शन NH2 का सब्स्टिट्यूशन होगा, नेगेटिव है, तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया जब अमोनिया के साथ हाई टेम्परेचर क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से KCN के साथ, तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया जब KCN के साथ कराएंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड कॉपर साइनाइड व पिरीमिड और DMF के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो फेनिल साइनाइड कंपाउंड जो है वह बनता है। DMS होता है डाईमेथिल फॉर्मेमाइड। इसी प्रकार से अगर हेलो एरिन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अगर कोई नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है जैसा कोई इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रो ग्रुप अगर लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है, तो उस केस में वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा जिससे रिंग पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो उस केस में उसकी क्रियाशीलता मीन्स न्यूक्लियोफाइल की क्रियाशीलता जो है वो बढ़ जाती है, परंतु थोड़ी स्लो स्पीड्स में वह रिएक्शंस होती हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन नाइट्रो ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो उस केस में जो क्लोरो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, परंतु यहाँ पे हमको क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हमको यहाँ पे चाहिएंगे। तो अगर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है उसमें अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं तो भी हमको टेम्परेचर जो है वह बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन की क्रिया जब अमोनिया के साथ इन अल्कोहल की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन कंपाउंड बनेगा। इसी प्रकार से अगर पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है तो पैरा एमिनो नाइट्रो एनिलीन बन जाएगा, और अगर बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो Cl की जगह OH आ जाएगा, सेम रिएक्शन है वैसी ही, तो पैरा नाइट्रो फिनॉल जो है वह कंपाउंड बन जाता है। अगर उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन तीनों ही ब्लॉक होती हैं तो अभिक्रिया और मंद परिस्थितियों में संपन्न हो जाती है, और पिक्रिल क्लोराइड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही सोडियम मिथाऑक्साइड के साथ क्रिया करके ईथर का निर्माण कर देते हैं। सांद्र अमोनिया के साथ हिलाने पर पिक्रेमाइड बनता है, जल के साथ गर्म करने पे पिक्रिक एसिड जो है वह बन जाता है। ये पिक्रिल क्लोराइड CH3ONa 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो CH3ONa आयनाइज होगा CH3O नेगेटिव और Na पॉजिटिव के रूप में, तो नेगेटिव पार्ट जो है वो आपका CH3O है, तो Cl पे सब्स्टिट्यूट होगा वो CH3। तो पिक्रिल क्लोराइड की CH3ONa के साथ रिएक्शन कराएंगे तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रो एनिसोल बनेगा। इसी प्रकार से पिक्रिल क्लोराइड की जब अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो पिक्रेमाइड बनेगा। पिक्रिल क्लोराइड की जब H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पिक्रिक एसिड जो है वह बनता है। नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं या जो कंपाउंड्स हैं एमीन की स्ट्रक्चर वगैरह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।